डियर स्टूडेंट्स दिस इज़ प्रवीण कुमार अग्रवाल फ्राम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी चंदोसी वेलकम ट यू इन माई टुडेज लेक्चर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द टॉपिक प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट सिस्टम क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स कंपनी जब मार्केट में डिफरेंट वराइटी के प्रोडक्ट के साथ में अवेलेबल होती है तो उसके पास प्रोडक्ट की जो कंप्लीट रेंज अवेलेबल होती है दैट कंप्लीट रेंज ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज इट्स प्रोडक्ट मिक्स किसी भी हम मल्टी ब्रांड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल विद सच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी मार्केट में एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ में रहकर रिस्क को फॉलो नहीं करना चाहती है वो इस रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ में मार्केट में अवेलेबल होती है तो उसके पास जो कंप्लीट रेंज होती है प्रोडक्ट्स की दैट कंप्लीट रेंज इज नोन एज अ प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट सिस्टम ऑफ द कंपनी क्लियर यानी कि एक डेफिनेशन हम इसकी प्रोवाइड कर सकते हैं दैट इज गिवन टू यू प्रोडक्ट सिस्टम और प्रोडक्ट मिक्स इज अ ग्रुप ऑफ डाइवर्स बट रिलेटेड आइटम्स दैट फंक्शन इन अ कॉम्पेटिवल मैनर इट इज द सेट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एंड आइटम्स अ पर्टिकुलर सेलर ऑफर्स फॉर सेल एंड इट मीन्स अ प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट अलाइंस इसका मतलब एक प्रोडक्ट सिस्टम या प्रोडक्ट मिक्स रिलेटेड लेकिन डाइवर्स प्रोडक्ट का मिक्स होता है जो एक कॉम्पेटेबल वे में वर्कआउट कर रहे होते हैं यानी कि जितने भी प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है वो कैसे होते हैं दे आर डायवर्स टू ईच अदर they are having a diversification property but they are sometimes related with each other also a compatible way mein inko follow kiya jata hai by the firm jitne bhi products ya items seller offer kar raha hai sale ke liye usko isme include kiya jata hai aur hum product lines jitne bhi product lines hain agar sari product lines ko mix कर दें in reference of a company तो वो क्या बन जाता है उसका एक product mix बन जाता है point is clear जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं एच यूवेयर की बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड तो इसके पास बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन्स हैं जैसे एक प्रोडक्ट लाइन है उसके पास सोप की एक है शैम्पूस की एक है डिटर्जेंट्स की एक प्रोडक्ट लाइन है फूड आइटम्स की डिओड्रेंट्स की आइसक्रीम्स की फूड आइटम्स की ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट लाइन्स हैं जिसमें वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के नाम से प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा रहा है तो जब मैं इन सबका एक कॉम्बिनेशन फॉलो करूंगा इन प्रोडक्ट लाइन्स का तो ये कॉम्बिनेशन उस पर्टिकुलर एच कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स कहलाएगा इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आगे स्टडी करेंगे लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स में हम किन किन टर्म्स को फॉलो करते हैं इसमें कुछ टर्म्स हैं जैसे विथ लेंथ डेप्थ कंसिस्टेंसी ये सारी टर्म्स हैं जो उसके रेफरेंस में हम फॉलो करते हैं अब इनका मतलब क्या होता है तो इनके पर्टिकुलर मीनिंग को हम समझ लेते हैं इनके कॉन्सेप्ट को हम यहाँ डिस्कस uh, कर लेते हैं सबसे पहला है इसके अंदर दैट इज द प्रोडक्ट लेंथ क्या होती है प्रोडक्ट लेंथ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन द मिक्स इज नोन एज द प्रोडक्ट लेंथ ऑफ द कंपनी कंपनी के टोटल प्रोडक्ट मिक्स में जितने नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल होते हैं उसको हम उस कंपनी के प्रोडक्ट लेंथ के नाम से जानते हैं इसके साथ साथ हम प्रोडक्ट लेंथ के साथ साथ एवरेज प्रोडक्ट लेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमे? हमें हमें टोटल लेंथ को नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन से डिवाइड करना पड़ेगा तो हमें एवरेज प्रोडक्ट लेंथ मिल जाएगी क्लियर नेक्स्ट हम इज प्रोडक्ट विथ होती है इट रिप्रेजेंट्स हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन द कंपनी कैरीज इन इट्स प्रोडक्ट मिक्स यानी कि कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स अवेलेबल होती हैं उनको हम कंपनी के प्रोडक्ट विथ के नाम से जानते हैं क्लियर नेक्स्ट वन इज द प्रोडक्ट डेप्थ डेप्थ का मतलब क्या होता है किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट कैटेगरी में कंपनी उसके जितने वेरिएंट्स ऑफर करती है उसे हम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डेप्थ के नाम से जानते हैं जैसे मान लीजिए लक्स के फोर वेरिएंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं लक्स इज वन ऑफ द सोप ऑफ हिंदुस्तान यूनिल लिमिटेड कंपनी अगर उसके चार वेरियंट्स अवेलेबल हैं और इन चार वेरियंट्स में से हर वेरियंट के दो साइजेस अवेलेबल हैं तो इसकी डेप्थ कितनी हो गई फोर इंटू यानी कि एट डेप्थ ऑफ लक्स सोप इज एट पॉइंट इज क्लियर एंड द लास्ट पॉइंट इज द प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स आर इन एंड यूज प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑफ सम अदर वेज यानी कि प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बेसिस पर उनके एंड यूज के बेसिस पर या किसी और तरीके से जो वेरियस प्रोडक्ट लाइन्स हैं वो एक दूसरे से कितना क्लोजली रिलेटेड है ये कहलाएगी प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी जैसे अगर मैं बात करूं एच यू एल की प्रोडक्ट लाइन की तो हम उनको एक पर्टिकुलर वे में कंसिस्टेंट कह सकते हैं जैसे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है कंज्यूमर गुड्स हैं तो इनको कंपनी क्या करती है सेम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू अवेलेबल कराती है कंज्यूमर्स को तो इसी वजह से इनकी कंसिस्टेंसी क्या होगी हाई होगी लेकिन अगर हम एक दूसरा पैरामीटर लें दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट तो उस केस में ये क्या है लेस कंसिस्टेंट है क्योंकि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग क्या है डिफरेंट है तो फंक्शंस के बेसिस पर या परफॉर्मेंस के बेसिस पर इनकी कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है ओके okay? ऐसे ही अगर हम प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करें तो जितने डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे हर डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ कंपनी को प्रोडक्शन के रेफरेंस में एक अलग प्लांट को सेटअप करना पड़ेगा यानी कि प्रोडक्शन के बेसिस पर इनके बीच की कंसिस्टेंसी क्या होगी ये लेस कंसिस्टेंट होंगे लेकिन हाँ ये हो सकता है कि, कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट टाइम में जितने भी डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल किए जा रहा है किए जा रहे हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी कंसिस्टेंसी को सर्च कर सकती है लेकिन अगर

को रिप्रेजेंट किया है यहाँ मैंने दो पर्टिकुलर कैटेगरी ली हैं द फर्स्ट वन इज द होम एंड पर्सनल केयर एंड सेकेंड वन इज द फूड आइटम्स होम एंड पर्सनल केयर में पर्सनल वॉश लॉन्ड्री स्किन केयर हेयर केयर औरल केयर डिओड्रेंट्स एंड कलर कॉस्मेटिक्स और फूड आइटम्स में टी कॉफी फूड एंड आइसक्रीम इस तरह से मैंने इसको कैटेगराइज किया है अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स इसके अंडर में अवेलेबल हैं जैसे पर्सनल वॉश की बात करें तो पर्सनल वॉश में इसके पास लक्स लाइबॉय लेरेल पियर्स रैक्सोना हमाम ब्रीज डव यानी कुल डवे मैंने यहां पर ये ब्रांड्स को रिप्रेजेंट किया है इन पर्सनल वॉश क्लियर लॉन्ड्री के लिए किस में देखते हैं सर्फ एक्सल रेन व्हील सनलाइट टोटल कितने ब्रांड्स हैं फोर ब्रांड्स हैं यहां पर स्किन केयर इसके रेफरेंस के बात करते हैं फेयर एंड लवली पॉन्ड्स एंड वेस्टिन कितने ब्रांड्स हो गए ये थ्री ब्रांड्स आर हेयर हेयर केयर के रेफरेंस में सनसिल्क क्लीनिक प्लस डव थ्री ब्रांड्स आर देयर ओरल केयर के रेफरेंस में पैप्सोडेंट क्लोजअप टू ब्रांड्स आर देयर डिओड्रेंट के रेफरेंस में एक्स रेक्सोना टू ब्रांड्स आर देयर कलर कॉन्फ्रेंस के रेफरेंस में लैकमे वन ब्रांड इज देयर टी के रेफरेंस में ब्रुकबोंड लिप्टन ताजमहल रेड लेवल ताजा थ्री रोजेस टोटल सिक्स ब्रांड्स आर एवेलेबल कॉफ़ी के रेफरेंस में ब्रू वन ब्रांड इज अवेलेबल फूड के रेफरेंस में किसान नोर अन्नपूर्णा आटा टोटल थ्री ब्रांड्स आर अवेलेबल आइसक्रीम के रेफरेंस में क्वालिटी वॉल्स कॉर्नेटो टोटल टू ब्रांड्स आर अवेलेबल तो इस तरीके से मैंने ये पूरा एक एच के प्रोडक्ट मिक्स को रिप्रेजेंट किया है यहाँ टोटल प्रोडक्ट मिक्स विथ देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स विथ का मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन कितनी है काउंट करते हैं इसको हम दैट इज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तो टोटल प्रोडक्ट लाइन कितनी है यहाँ पर दैट इज इक्वल टू इलेवन अब हम प्रोडक्ट मिक्स लेंथ की बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स लेंथ का मतलब क्या होता है जो कंपनी के पास टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अवेलेबल होते हैं और कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं देख लेते हैं एट प्लस फोर प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस टू प्लस टू प्लस वन प्लस सिक्स प्लस वन प्लस थ्री प्लस टू एंड दिस इज इक्वल टू थर्टी फाइव यानी टोटल प्रोडक्ट मिक्स लेंथ कितनी हो गई इसकी है ना दैट इज इक्वल टू थर्टी फाइव अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल अब एवरेज लेंथ निकालनी तो कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट लेंथ को जो प्रोडक्ट मिक्स लेंथ है उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑफ प्रोडक्ट से दैट दैट इज 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 इक्वल टू क्लियर दिस इन रेफरेंस द हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड एक एग्जाम्पल लेकर ले चलते हैं यहां पर दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पाले प्रोडक्ट मिक्स पाले का प्रोडक्ट मिक्स है यहां पर या हमने इसके चार प्रोडक्ट लाइन कंसिडर करिए बेवरेजेस बिस्किट्स कन्फेक्शनरी एंड स्नैक्स क्लियर अब हम बात करते हैं बेवरेजेस की बेवरेजेस में इसके पास डिफरेंट ब्रांड्स एवेलेबल है कितनी ब्रांड्स हो गई पांच ब्रांड्स है इसके होता यानी कि इसकी प्रोडक्ट लाइन में पांच ब्रांड्स अवेलेबल हैं इसके बिस्किट्स की बात करते हैं पालेजी है क्रैक जैक हाइड एन सीक मैजिक्स मोनाको क्रीम्स मिल्क शक्ति पाले मारी टोटो कितने ब्रांड्स हैं यहाँ पर एट ब्रांड्स अगर कंफ्लेक्शन की बात करेंगे किसमी गोल्ड मैंगो बाइट कच्चा मैंगो बाइट ऑरेंज कैंडी मेलोडी पॉपिंस किसमी टॉफी मजेलो टोटो कितने ब्रांड्स हैं आठ ब्रांड्स हो गए यहाँ पर स्नेक्स ग्रेज में पाले वेफर्स मस्ट बाइट जेफ्स चीज लिंक्स फुल टॉस मस्ट चिप्स सिक्सर सिक्सर जीरा टोटल एट ब्रांड्स यानी कि यहाँ पर जो कंपनी की प्रोडक्ट मिक्स विथ है वो कितनी हो गई वन टू थ्री फोर फोर प्रोडक्ट लेंथ तो इसकी प्रोडक्ट मिक्स फोर के बराबर हो गई अब हम बात करते हैं इसके टोटल नंबर ऑफ आइटम्स की या प्रोडक्ट मिक्स लेंथ की वो कितनी है इनको ऐड कर दीजिए फाइव प्लस एट प्लस एट प्लस एट दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन इसका मतलब जो इसकी प्रोडक्ट मिक्स लेंथ है वो किसके बराबर हो गई दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन क्योंकि इसके प्रोडक्ट मिक्स में टोटल ट्वेंटी नाइन आइटम्स अवेलेबल हैं अगर मैं इसकी एवरेज लेंथ को कैलकुलेट करना चाहूं तो एवरेज लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए मुझे इसके प्रोडक्ट मिक्स लेंथ को उसकी प्रोडक्ट मिक्स विथ से डिवाइड करना पड़ेगा लेंथ कितनी है ट्वेंटी नाइन और टोटल कितने अवेलेबल है इसके अंदर फोर प्रोडक्ट लाइंस आर अवेलेबल तो ट्वेंटी नाइन डिवाइडेड बाई फोर क्लियर यू विल गेट ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर यू विल गेट सेवन पॉइंट टू फाइव सो दिस इज द एवरेज लेंथ ऑफ पाले प्रोडक्ट मिक्स अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल सो नाउ यू विल बी वेरी क्लियर हाउ वी कैन डिटरमाइन द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द कंपनी इट्स प्रोडक्ट लेंथ एंड इट्स प्रोडक्ट विथ अच्छा अगर हम इसमें प्रोडक्ट डेप्थ की बात करें तो यह डिपेंड करेगा कि उसकी कितनी वराइटीज मार्केट में कंपनी ने अवेलेबल करा रखी है और उसके कितने साइजेस में वो अवेलेबल होता है तो हर ब्रांड के रेफरेंस में ये अलग अलग वे में कैलकुलेट की जाएगी जिसको हम इस एग्जाम्पल के बेसिस पर कैटेगराइज नहीं कर सकते ओके सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिटरमाइन द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ द कंपनी ओके थैंक यू